चलती लोकल ट्रेन से गिरते युवक का वायरल वीडियो, क्या है इस वीडियो की सच्चाई, जानिए इस फैक्ट चेक में। 2 साल पुराना है ये वीडियो। रफीक कामदार, हिंदुस्तान डेली पेपर में आपका स्वागत है। शुक्रवार 26 जुलाई को एक्स पूर्व के ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोकल ट्रेन से एक युवक के गिरने का वीडियो काफी वायरल किया जा रहा था। एक्स प्लेटफॉर्म पर भी, व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी ये वीडियो देखने मिल रहा है, इंस्टाग्राम पर भी ये वीडियो देखने मिल रहा है, लोग काफी इसको वायरल कर रहे हैं। वीडियो में आप देखेंगे कि डिब्बे जो है, यात्रियों के कोच जो होते हैं, उसके बीच एक मोटर कोच होता है जो बंद होता है, और उसी मोटर कोच के बंद दरवाजे पे लटक करके कुछ युवक यात्रा कर रहे हैं, और ऐसे में एक युवक जो है पोल से टकरा करके गिर जाता है। अब ये वीडियो 26 जुलाई 2024 को वायरल किया जा रहा है, जैसा हमने आपको बताया, लेकिन इस वीडियो की सच्चाई क्या है? तो वीडियो बिल्कुल सच्चा वीडियो है, खरा वीडियो है, और ये वीडियो 2 वर्ष पुरानी घटी ठाणे और कलवा के बीच की दुर्घटना का वीडियो है, और इसका शिकार हुआ था कलवा भास्कर नगर का रहने वाला 18 वर्षीय हुसैन खान। 23 जून 2022 को यह दुर्घटना ठाणे और कलवा के बीच घटी थी। उस वक्त दुर्घटना घटने के बाद इसकी जानकारी हुसैन के परिवार को दी गई थी। परिवार के लोग रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए थे, जहां से हुसैन को जख्मी हालत में उठाया गया था। फिर उसे कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां पर हमने उससे बातचीत भी की थी। तो दोनों खबरें उस वक्त भी हमने आपको बताई थी, 23 जून को जब दुर्घटना घटी तब भी, और उसके बाद अस्पताल में हुसैन खान से हमारी जो बातचीत हुई थी वो भी हमने दिखाई थी। उसकी दोनों की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये वीडियो 26 जुलाई 2024 को जो वायरल किया जा रहा है अभी की दुर्घटना बता करके, क्योंकि एक्स पर इसे मुंबई रेलवे प्रवासी संघ के अकाउंट से शेयर किया गया है। तो जानकारी के लिए बता दें कि ये वीडियो 26 जुलाई या उससे एक दो दिन पहले का नहीं है, वर्ष 2024 का नहीं है, ये वीडियो 23 जून 2022 का है, जिसकी फिर एक बार हमने फैक्ट चेक के तहत जानकारी सामने रखी है। तो इसे हाल ही की या अभी की दुर्घटना बताकर वायरल न करें। वीडियो